Hello everyone. In this video, we will discuss about the infix to postfix conversion using table method. Previous video में मैंने simple आपको infix to prefix conversion या infix to postfix conversion बताया था. इस video में हम infix to postfix conversion करेंगे using table method. तो सबसे पहली चीज जो last video में मैंने आपको बताया था उसके through हम मतलब simple method के through अपन directly solve कर लेते हैं ताकि हम verify कर पाएं कि हमारा answer correct है या नहीं table method के through. यदि आपको एग्जाम में 7 मार्क्स या 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में आप अटेम्प्ट कर रहे हैं इस तरह के क्वेश्चंस को, तो आप टेबल मेथड से ही करिए, क्योंकि इस डायरेक्ट मेथड को आप यूज करेंगे तो 3-4 स्टेप्स में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा. तो टेबल मेथड से सॉल्व करिए. इससे आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सा ऑपरेटर है या ऑपरेंड्स है, स्टैक में कौन आ रहा है, पॉप कैसे हो रहा है एलिमेंट्स, तो ये पूरी एल्गोरिथम्स आपको समझ में आएगी. Now, जब भी हम infix to postfix conversion करते हैं तो left to right scan करेंगे, ठीक है? तो यदि मैं इस particular question को देखूं, तो इस particular question को जब मैं solve करूं direct method के through, तो आप सबसे पहले parenthesis को solve करेंगे. तो यहां हमें parenthesis कौन मिल जाएगा? A, B multiply, internal parenthesis है, तो ये solve करूंगा, तो D, E power, ये already मैं last video में आपको बता चुका हूं, और ये हमारा यहां पर जैसे ही आप ये सॉल्व कर लेंगे, ये पैरेंथेसिस सॉल्व हो गया, ये रिमूव हो जाएगा मेरा, देन उसके बाद में मल्टीप्लाई जी. नाउ अब इस पैरेंथेसिस के अंदर मेरे पास में दो चीजें मिल रही हैं मुझे, तो ये मैं चेक करूंगा, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी मल्टीप्लाई, ठीक है? तो सबसे पहले प्रेसिडेंस आपको किसको देंगे? मल्टीप्लीकेशन को, तो सी माइनस डी ई पावर जी मल्टीप्लाई, ठीक है? इतना करने के बाद ये मेरी एक टर्म बन चुकी है. इसको मैं सॉल्व करूं तो a प्लस बी मल्टीप्लाई ये हो जाएगा c d e पावर g मल्टीप्लाई माइनस, ठीक है? तो ये आपका पैरेंथेसिस यहां से रिमूव हो जाएगा, ये पूरा का पूरा आपका एक टर्म बन गया. नाउ अब इन दोनों में देखें तो ऑब्वियस है मल्टीप्लीकेशन की प्रेसिडेंस हाईएस्ट है, तो b c d e पावर g मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई. नाउ अब क्या बचता है आपके पास में? फाइनली प्लस, ये हो गया a b c d e पावर g मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई प्लस. ये क्या आ गया आपके पास में? पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन. नाउ अब हम टेबल मेथड से इसको सॉल्व करते हैं और सेंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. टेबल मेथड क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम, सबसे पहले आपको स्टैक में पुश करना है एक लेफ्ट पैरेंथेसिस, और लेफ्ट पैरेंथेसिस जिसको आपने ओपन किया उसको लास्ट में आपको क्लोज करना है. This is the first step of algorithm. Scan the expression from left to right. ठीक है? Now second step is push one small parenthesis into the stack. यहाँ पे मैं stack में push कर देता हूँ small parenthesis. और जिसको push किया था उसको आपको close करना है इस particular question के अंदर. Now आगे बढ़े तो आगे बढ़कर आपको यहाँ पर देखना है जितने भी symbols आपको given है. क्या क्या given है? A प्लस बी मल्टीप्लाई ओपन पैरेंथेसिस, सबके सब आप सिंबल में ऐसे यहाँ पे अरेंज कर लीजिए. तो मैंने क्या लिख लिया? ए लिख लिया, प्लस लिख लिया, बी लिख लिया, मल्टीप्लीकेशन है, ओपन पैरेंथेसिस सी माइनस ओपन पैरेंथेसिस डी पावर ई, और ये क्लोज पैरेंथेसिस मल्टीप्लाई जी, और ये फाइनली क्लोज पैरेंथेसिस. लास्ट वाला क्लोज पैरेंथेसिस अभी बचेगा, उसको हम सॉल्व कर लेंगे, देख लेंगे. नाउ यदि सिंबल में ऑपरेंड्स हैं तो ऑपरेंड्स जितने भी होंगे वो एक्सप्रेशंस में जाएंगे. ऑपरेटर्स एंड स्मॉल पैरेंथेसिस, कर्ली पैरेंथेसिस, व्हाटएवर जो भी आएंगे वो आपके स्टैक में आएंगे, ठीक? तो सबसे पहला क्या आया? जैसे ही आपने स्कैन किया तो फर्स्ट मिला क्या मुझे? ए. तो ए मेरा एक्सप्रेशन में चला गया. नाउ अब आता है प्लस. तो प्लस क्या है आपका? एक प्लस ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर है तो वो कहां पे पुश होगा? स्टैक में. तो अब यहां पे किस तरह से प्रोसेस चल रही है आपकी? ये हो गया आपका प्लस स्टैक में पुश, ठीक है? अब पॉप कैसे होंगे, कब होंगे, अभी सिचुएशन आएगी तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा. स्टिल एक्सप्रेशन में मेरे पास में क्या है? ए. नाउ बी आया, बी इज अ ऑपरेंड, तो ऑपरेंड है तो डायरेक्टली जंप कर जाएगा कहां पे? एक्सप्रेशन में. यदि आप आंसर मैच करते जाए तो ए भी अभी तक एक्सप्रेशन में मेरे पास में आ चुका है. नाउ मल्टीप्लीकेशन, जैसे ही मल्टीप्लीकेशन आएगा यहां पर आपके सामने कुछ रूल्स लगेंगे. क्या रूल्स लगेंगे इसको समझिए. स्टैक में, अभी स्टैक के टॉप में क्या है आपके पास में? प्लस है, ठीक है? इस प्लस, जो प्लस है आपका स्टैक के टॉप पर, इस प्लस पर जो ज्यादा वेट, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन की प्रेसिडेंस क्या है? ज्यादा है एज कंपेयर टू प्लस. तो
कम प्रेसिडेंस वाले पर ज्यादा प्रेसिडेंस वाला आ सकता है, ठीक है, कम प्रेसिडेंस वाले पर ज्यादा प्रेसिडेंस वाला आ सकता है, बट ज्यादा प्रेसिडेंस वाले पर कम प्रेसिडेंस वाला नहीं आ सकता, ठीक है। नाउ तो यहां पे चेक करें, तो यहां पे देखें, तो अब आपके पास में क्या हो जाएगा, प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन। अगेन समझिए इसको, यदि एक कोई बहुत ये कह लें कि बहुत पावरफुल है और एक वीक है, तो वीक के ऊपर पावरफुल आ सकता है, ठीक है, और पावरफुल पर वीक नहीं आ सकता, तो उस केस में आपको पावरफुल को वहां से पॉप करना पड़ेगा रिक्वेस्ट करके। नाउ मैंने क्या बोला, प्लस की प्रेसिडेंस कम है, मल्टीप्लीकेशन की प्रेसिडेंस ज्यादा है, तो कम प्रेसिडेंस पर ज्यादा प्रेसिडेंस वाला आ सकता है, मतलब स्टैक के टॉप में आपका क्या आ गया, मल्टीप्लीकेशन, अगेन ए बी एक्सप्रेशन में। नाउ ओपन पैरेंथेसिस जैसे ही आया, तो अगेन ओपन पैरेंथेसिस को आप पुश करेंगे, ठीक है, ओपन पैरेंथेसिस से पुश करेंगे, क्लोज पैरेंथेसिस जैसे ही मिल जाएगा पॉप करना स्टार्ट करेंगे। तो अभी ओपन पैरेंथेसिस है, तो एज इट इज हमने पुश कर दिया। नाउ अब फिर से आपके पास में ऑपरेंड आ गया, ऑपरेंड क्या है आपका, सी, तो एक्सप्रेशन में चला जाएगा ए बी सी, तो ये ए बी सी आ गया आपका। आगे बढ़े तो आपके पास अब क्या है, माइनस, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या आ गया, ओपन पैरेंथेसिस। अब ओपन पैरेंथेसिस के ऊपर क्या आ जाए, अंदर आके आ जाएगा माइनस, तो आ सकता है यहाँ पे, क्योंकि ओपन पैरेंथेसिस की बाउंड्री स्टार्ट हुई है, उसके अंदर अब आ सकता है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो माइनस आपका पुश हो गया स्टैक के अंदर, ठीक, ए बी सी एज इट इज। आगे बढ़े तो अगेन ओपन पैरेंथेसिस आपको मिला, तो ओपन पैरेंथेसिस फिर से आपका स्टैक में पुश हो जाएगा। कब पॉप करेंगे, जब क्लोज पैरेंथेसिस मिलेगा, अभी सिचुएशन आगे आने वाली है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी सी। नाउ डी आया, तो डी आपका किसका पार्ट है, डी मेरा पार्ट है, डी इज अ ऑपरेंड, ऑपरेंड है, तो कहां पे आ जाएगा, एक्सप्रेशन में, तो ये डी भी आपका एक्सप्रेशन में आ गया। यहां तक आपका आंसर परफेक्टली करेक्ट है। नाउ पावर आया, तो पावर आया या कुछ भी आया, यदि आपका ओपन पैरेंथेसिस स्टार्ट हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यदि इसके अंदर कोई सिंबल होता तो हमें कंपेयर करना पड़ता कि छोटे पे बड़ा आ सकता है, बड़े पे छोटे नहीं आ सकता, ये सारी चीजें। नाउ एज इट इज यहाँ पे लिख देते हैं अपन ए बी सी डी। नाउ ई आया, ई इज अ ऑपरेंड, अगेन ई इज अ ऑपरेंड, तो एज इट इज यहाँ पे कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ए बी सी डी और ई यहाँ पे आ जाएगा एक्सप्रेशन में, ठीक है। यहां तक हमारा आंसर परफेक्टली करेक्ट है। ये डायरेक्ट मेथड से हमने इसलिए सॉल्व किया, सिंपल मेथड से, कि हम अपने सॉल्यूशन को वेरीफाई करते जाएं कि हम प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं। नाउ अब देखें, जैसे ही आपका पावर आया, ठीक है, तो यहाँ पे आया अपना ओपन पैरेंथेसिस, देन उसके बाद में पावर आया। अब पावर आया तो अब आपके पास में क्या आया, आपको क्या एनकाउंटर्ड हुआ, एनकाउंटर्ड हुआ मेरा राइट पैरेंथेसिस, ठीक है, मतलब क्लोज पैरेंथेसिस। जैसे ही क्लोज पैरेंथेसिस एनकाउंटर्ड हुआ, तो देखिए लास्ट में यदि देखिए आप स्टैक के टॉप में क्या आपके पास में पावर, जैसे ही आप क्लोज पैरेंथेसिस एनकाउंटर्ड होगा, तो जो भी उस पर्टिकुलर स्टैक में अवेलेबल होगा, वो अपने जो भी उसमें अवेलेबल होगा, उसमें जो टॉप पोजीशन पे होगा, स्टैक के टॉप में जो होगा, वो पॉप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टैक के टॉप पे क्या है आपका, पावर, तो पावर यहां से पॉप हो जाएगा, तो पावर आपका पॉप होगा, ठीक है। तो पावर मैं यहां से पॉप कर देता हूं, तो ओपन पैरेंथेसिस प्लस मल्टीप्लीकेशन, ओपन पैरेंथेसिस माइनस, ये आपका चला गया। तो यदि जैसे ही आपका पावर पॉप हुआ, तो ये पैरेंथेसिस भी आपके यहां से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो अब पावर कहां पे चला जाएगा आपका, पावर आ जाएगा मेरा एक्सप्रेशन में, तो ये एक्सप्रेशन में मेरा पावर आ गया, ठीक है, यहां तक मेरा करेक्ट आंसर है। नाउ मल्टीप्लीकेशन, अगेन मल्टीप्लीकेशन आया, तो मल्टीप्लीकेशन में देखा, तो स्टैक के टॉप में कौन है आपका, माइनस, ठीक है, स्टैक के टॉप में आप क्या बचा आपका, माइनस। तो जैसे ही स्टैक के टॉप में आपका माइनस बचा, तो माइनस की प्रेसिडेंस कम है एज कम्पेयर टू मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर आ सकता है। तो ये हो गया ए बी सी डी ई और पावर। नाउ जी, जी इज अगेन ऑपरेंड, तो ऑपरेंड है, तो वो एक्सप्रेशन का पार्ट हो सकता है। तो ये हो गया ए बी सी डी ई पावर एंड जी। यदि आप आंसर वेरीफाई करें, तो यहां तक अभी तक मेरा आंसर परफेक्टली करेक्ट है। नाउ अब मिला मुझे कौन, क्लोज पैरेंथेसिस। जैसे ही क्लोज पैरेंथेसिस मिला, तो क्लोज पैरेंथेसिस में स्टैक के अंदर जितने भी होंगे, ठीक है, जिस स्टैक के अंदर जो जो आपका होगा, वो सब आपका यहां से बाहर हो जाएगा। तो देखिए क्या क्या है आपका यहाँ पे, तो स्टैक में के टॉप में क्या है, मल्टीप्लीकेशन और माइनस, ये दोनों के दोनों आपके यहाँ से बाहर हो जाएंगे। यदि सेम प्रेसिडेंस वाला होता, यहाँ पे कोई आया होता बाई चांस, फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्ली पावर,
या मल्टीप्लीकेशन एक और आ जाता तो उस केस में स्टैक के टॉप में जो होगा वो बाहर हो जाएगा। यदि सेम प्रेसिडेंस, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पे आपके पास में मल्टीप्लीकेशन है और यहाँ पर भी मल्टीप्लीकेशन है, तो इस केस में जो ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल स्टैक के टॉप वाला मल्टीप्लीकेशन वो आपका यहाँ से पॉप आउट हो जाता और ये वाला स्टैक में आ जाता। बट जैसे ही आपको क्लोज पैरेंथेसिस यहाँ पे मिल रहा है तो उस पर्टिकुलर पैरेंथेसिस के अंदर जो जो है वो सब के सब आपके यहाँ से पॉप हो जाएंगे। तो अब क्या बच गया, सी डी पावर जी पॉप, कौन कौन हो गया आपका, मल्टीप्लीकेशन और माइनस। ठीक है, जिस ऑर्डर में आएंगे, जिस ऑर्डर में आएंगे आपके, उसी ऑर्डर में आप यहाँ से उसको रिमूव करेंगे। ठीक है, तो किस ऑर्डर में थे आपके, सबसे पहले था मल्टीप्लीकेशन स्टैक के टॉप में, फिर क्या था माइनस, तो ये आपका उस अकॉर्डिंग यहाँ से निकलेगा। तो मल्टीप्लीकेशन गया, देन उसके बाद में माइनस गया। ठीक, नाउ अब यदि हम आगे बात करें तो यहां तक तो हम करेक्टली पहुंच गए, लास्ट स्टेप पे आते हैं। लास्ट स्टेप क्या मिला, क्लोज पैरेंथेसिस। जैसे ही आपको क्लोज पैरेंथेसिस, अगेन अभी क्लोज पैरेंथेसिस कौन सा मिला, ये वाला, तो ये वाले क्लोज पैरेंथेसिस से बाहर हो गए। अब आपने जो पैरेंथेसिस ओपन किया था उस पैरेंथेसिस को आपको यहाँ पे क्लोज भी करना पड़ेगा। तो जैसे ही आपका राइट पैरेंथेसिस एनकाउंटर्ड हुआ, मतलब क्लोज पैरेंथेसिस, तो उसके अंदर अब क्या क्या बचा आपके पास में, प्लस और मल्टीप्लीकेशन। तो स्टैक के टॉप में कौन है आपका, मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन यहाँ से आपका रिमूव होगा। तो क्या एक्सप्रेशन हो जाएगा, ए बी सी डी E पावर G मल्टीप्लीकेशन माइनस, स्टैक के टॉप में क्या है मल्टीप्लाई, देन उसके बाद में क्या है प्लस। यदि आप वेरीफाई करेंगे आपके आंसर को तो एग्जैक्टली यही का यही एक्सप्रेशन आपका ये आ चुका है। तो इस तरह से आप इनफिक्स टू पोस्टफिक्स यूजिंग टेबल मेथड सॉल्व कर सकते हैं। मेरी एडवाइस है कि सबसे पहले आप सिंपल मेथड से सॉल्व करिए, देन टेबल मेथड से इसको सॉल्व करिए। ठीक है, बस दो चीजें आपको दिमाग में रखनी है, यदि स्टैक में आपके पास में कोई ऐसा ऑपरेटर है जिसकी प्रेसिडेंस लेस है एज कंपेयर टू जो अपकमिंग सिंबल है, तो अपकमिंग सिंबल हायर प्रेसिडेंस वाला स्टैक में पुश हो जाएगा। यदि ऐसी प्रेसिडेंस आती बाय चांस कि यहां पर होता आपका मल्टीप्लीकेशन और यहां आता आपका प्लस, तो इस केस में मल्टीप्लीकेशन आपका पॉप करना पड़ता और प्लस आ जाता। यदि सेम प्रेसिडेंस है, यहां भी मल्टीप्लीकेशन, ये सपोज यहां भी प्लस होता, तो इस केस में ये एक प्लस आपका यहां से पॉप आउट हो जाता। This is all about the infix to postfix using table method. Thank you so much.